नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले ठंडी स्पेशल नई रेसिपी, जैसे आप देखते ही घर पे बनाओगे। तो यहाँ पर हमने बनाया मेथी का वड़ा क्रिस्पी, और उसका साथ देने वाली है चटपटी चटनी। वड़ा हो तो चटनी तो मजा आती है खाने में, तो यहाँ पे बहुत ही यूनिक तरीके से चटनी बताई है दोस्तों। हमें लगता है कि ये चटनी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो इसके लिए क्या करना है, रेसिपी आपने आखिरी तक देखनी, और कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना है। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 कप जितना ममरा यानी कुरमुरा, जो हम रेगुलर खाते ना घर पे चूड़ा वगैरह बनाते ना, वही लेना है हमें। तो इसे हमें अच्छी तरह से साफ कर लेना है, मैंने ये पहले ही साफ कर लिया था। तो अभी इसे हमें क्या करेंगे, पानी डालकर इसे 5 मिनट तक इसे ही भिगो के छोड़ देना है। थोड़ा हल्का सा डुबा लेना हाथों उसे, यानी अच्छी तरह से भिगो कर हो जाएगा। अब यहाँ पे मिक्सर बर्तन ले लेते हैं। अब जो वड़े हम बना रहे मेथी के, तो यहाँ पे मैं चटनी तो लगेगी ना खाने के लिए, तो स्पेशल चटनी हम बना रहे। तो 1 कप जितना हमें धनिया लेना है, यहाँ पे मैंने डंडी सहित लिया है धनिया, क्योंकि डंडी की जो टेस्ट अच्छी आती है चटनी में। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 लहसुन की कलियां, और 1 हरी मिर्च इसे हमने कट कर लिया इस तरीके से। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के इसे हमें पीस लेते हैं। अब यहाँ पे हमने पीस लिया। अभी आपको लगा कितना दर है, ये चटनी तो खाने लायक नहीं है। नहीं दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा अलग तरीके से चटनी बता रही हूँ। खाली पहले हमें इसे अच्छी तरह से पीस लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पे पीस लिया हुआ है। अभी यहाँ पे 1/2 कप जितना फ्रेश वाला दही लेना है, दही को हम इसमें डाल देते हैं। अब इसी के साथ हमें 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देना है। अब यहाँ पे जो हमने पीसा था मसाला चटनी, वो डाल देना है इसके साथ ही। अब यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब इसे अच्छी तरह से चलाते रहेंगे, जब तक कि चलाना है, जब तक कि हमारा दही अच्छी तरह से घुल ना जाए चटनी के साथ। हाँ दोस्तों, ये चटनी बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में, क्योंकि दही की जो टेस्ट होती है 1 नंबर आती है। बहुत ही कम मसाले से बनाई जाती है, और खास करके जो हम मेथी का वड़ा बना रहे हैं, इसके लिए खास ये चटनी है, स्पेशल चटनी है। अभी आप देख रहे हो दही की जो गुठली लग रही है, इसे और अच्छी तरह से चला लेंगे। अभी यहाँ पे हमने अच्छी तरह से दही चला लिया, आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट है ना। थोड़ा बहुत तो दही रहेगा दोस्तों, अच्छा लगता है, मैंने ज़्यादा फेंटा नहीं है। परफेक्ट हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई। अभी करेंगे मेन प्रोसेस। अब यहाँ पे बॉल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप जितना ही मेथी लेनी। अभी बाजारों में बहुत ही फ्रेश मेथी आती है, और ठंडी में मेथी खानी चाहिए, हेल्थ के लिए गुणकारी भी होती है। तो यहाँ पे हमने मेथी को ऐसे बारीक बारीक कट कर लिया है, तो 1 कप लेना है। अभी यहाँ पे डालेंगे 1 कप जितना धनिया, थोड़ा मैं बचा के रख लेती हूँ। 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर। हाँ दोस्तों, मैंने सिर्फ कलर के लिए यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ग्रीन मिर्ची भी डाली है। यदि आप इसमें वड़ा तीखा खाना पसंद करते हो, तो तीखी मिर्ची भी ज़्यादा डाल सकते हो। अब यहाँ पे चटपटा स्वाद आने के लिए 1/2 चम्मच यहाँ पे डालेंगे चाट मसाला, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर। अब यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच धना जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी। अब यहाँ पे डालेंगे 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे हमने कट करके डालना है बारीक बारीक। 1/2 चम्मच अजवाइन, अजवाइन को क्रश करके डाल के फ्लेवर अच्छा आता है। हाँ दोस्तों, रेसिपी आपको हमारी कैसी लगती है तो हमें बताना है। 1 प्याज बारीक कटा हुआ। अब यहाँ पर जाएगा स्वाद अनुसार नमक। अभी इतने हमने मसाले डाले, अभी आपको सभी को मालूम मेथी थोड़ी कड़वी लगती है, तो अभी इतनी सामग्री से कड़वी तो लगेगी नहीं दोस्तों। अभी इसका सब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने डालना है 1/2 चम्मच शक्कर। अभी आपको लगा शक्कर डाल दिया खाने में मजा गई, नहीं दोस्तों, आप शक्कर डालोगे ना आपको लगेगा ही नहीं आपने शक्कर डाला है। इसका एक बैलेंस होता है, इतने मसाले डाले वो पूरा बैलेंस करेगा, और खाने में 1 नंबर है, एक नया स्वाद आएगा दोस्तों। अभी इसे इन सारी सामग्री को पहले हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी यहाँ पे सारी सामग्री को हाथों से हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, परफेक्ट। अभी हमारे ममरा देखो कैसे भिगो कर हो चुका, कितना फूलदार था और एकदम दब गया। अभी इसे हाथों से हमें निचोड़ लेना है, जो भी एक्स्ट्रा पानी वो नहीं हमें चाहिए। तो सारे ममरे को हम ऐसे निचोड़ लेते हैं, निचोड़ा था वो डाल देते हैं कुरमुरा। हाँ दोस्तों, इस वड़े में मैंने एक नया टेस्ट दिया है, मैं उम्मीद करूँगी ये टेस्ट आपको बहुत ही पसंद आएगा, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और ठंडी में तो ऐसा कुछ नहीं खाने की मन होता है ना, तो आप एक बार बना के देखो दोस्तों, फिर हमें कहना है क्या सही बात है। बहुत ही बढ़िया लगे हमारे मेथी कुरमुरे के वड़े। अभी यहाँ पे हम कोटिंग के लिए यहाँ पे 1/2 कप जितना बेसन का आटा डाल देते हैं, इससे कोटिंग अच्छी आ जाती वड़े में। अब यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमने पानी का यूज थोड़ा भी करना नहीं है, क्योंकि हमने अभी जो कुरमुरे डाले थे उसमें पानी था, और प्याज ने भी पानी छोड़ दिया है, तो उससे ही अच्छी तरह से डो बनकर तैयार हो जाता है। तो इसे अच्छी तरह से डो के फॉर्म में ला लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने डो के फॉर्म में बना लिया, आप देख सकते एकदम परफेक्ट
यहाँ पे मुझे एक भी बूंद पानी नहीं लगा है दोस्तों, क्योंकि प्याज भी पानी छोड़ देता है और नमक भी, और यहाँ पे मैंने कुरमुरा डाला था वो भी गीला था, तो इस हिसाब से अच्छी तरह से हमने ये डो बना लिया है परफेक्ट। अब यहाँ पे हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और हाथों को हमें अच्छी तरह से चिकना कर लेना है जब हम वड़े बनाएंगे, तो ये डो हमारा चिपके ना हाथों में इस तरीके से। अब यहाँ पे छोटे साइज के पेड़े बना लेना है। हाँ दोस्तों, बड़ा बड़ा या छोटा चाहिए आपके हिसाब से कर सकते हो, यहाँ पे हम लोग मीडियम साइज के करेंगे एकदम इसी तरह से। पहले लड्डू के फॉर्म में ला लेने का इसको परफेक्ट। अभी से दोनों हाथों से इसे दबाएंगे और जो दरारें दिख रही इसे ऐसे हम गोल गोल कर ले करके हाथों से करना है। थोड़ा पतली स्लाइस में हमें वड़े बनाना है क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्पी लगेंगे। जब थोड़ा मोटा बना दोगे फिर अंदर से हल्के से सॉफ्ट लगेंगे, थोड़ा हल्का सा दबाना है इसे इस तरीके से। देख रहे हो जितना पतला करोगे उतना ये क्रिस्पी बनते जाता है वड़ा। मैं आपको लेके बता देती हूँ, और थोड़े किनारे को भी ऐसे हल्के हाथों से दबा लेना है। तो इस तरीके सारे वड़े पहले बना लेते हैं। और हाँ दोस्तों, जैसे हम वड़े बनाते हैं ना तो एक जगह ऑयल गर्म करने को भी रख लेना है, टाइम भी बच जाता है और हमारे वड़े झट से बन भी जाते हैं। अब यहाँ पे सारे वड़े हमने बनाकर तैयार कर लिए, ऑयल भी गर्म हो चुका है, अभी फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऑयल अच्छी तरह से हमने गर्म कर लिया और चेक भी कर लिया है। अब यहाँ पे एक एक वड़े हम डालते जाएंगे। हाँ दोस्तों, एकदम गर्मा गर्म ही तेल चाहिए, ठंडा ऑयल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप देख सकते हो जैसे मैंने डाला है तेल अच्छी तरह से खोलता हुआ हो गया है, तभी हमारे जो वड़े ना क्रिस्पी बनते हैं खाने में। तो इस तरीके से हमें वड़े डालना है और इसे तुरंत टच करना नहीं, थोड़े टाइम के बाद ही हमें टच करके इसे पलटी करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो, अब इसे चमचे से सहायता से इसे पलटी कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, ठंडी के लिए खास करके वड़े हमने बनाए एक नए तरीके से और एक नया ही स्वाद। तो आपको ये तरीका हमारा कैसे लगा और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना है। अब इसे और अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं और बीच बीच में इसे चलाते भी रहना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे वड़े मैंने बीच बीच में से उलट पुलट भी कर लिया है और अच्छी तरह से फ्राई भी हो चुके हैं। इसका कलर कितना अच्छी तरह से एक जैसा गोल्डन आ चुका है, मैं आपको लेके बता देती हूँ। रिजल्ट आपके सामने है, देख सकते हो बहुत ही बढ़िया है ना, हेल्दी भी है और खाने में एक नंबर है। रेसिपी कैसी लगी तो हमें बताना है। तो बाकी के सारे वड़े ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। तो देखा ना दोस्तों कैसे बना दिया हमने नए स्वाद के साथ, चटपटी चटनी के साथ मेथी का वड़ा। रिजल्ट आपके सामने, मैं आपको एक लेके बता देती हूँ। देख सकते हो बाहर की जो परत इतनी क्रिस्पी है और अंदर से हल्के से सॉफ्ट है। अभी ठंड भी है तो ठंड में ऐसी कुछ नई चीज खानी चाहिए। और मेथी तो आप सभी को मालूम है गुणकारी होती है, मैं आपको तोड़ के बता देती हूँ। आहा, परफेक्ट हमारे बन गए क्रिस्पी मेथी के वड़े, रिजल्ट आपके सामने। तो रेसिपी आपको हमारी है कैसी लगती तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना है। और चैनल पे नए होगे तो लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना है।